चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 2024 में अगर ये सरकार बन गई तो आप लोग घर में जैसे निकल नहीं रहे ना, कोई भी आदमी घर में नहीं रहेगा, सड़कों पर खुद ही आओगे। आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा नाम नहीं है जहां जेईर एसडीओ मजमन से कहनी चाहिए बात, और ये बिजली बिजली वाले पिट्टे ना हो। 2024 आ गया, आ गया तो जितना मुश्किल है। हाँ तो भाई है, आंदोलन खत्म हो गए, पुलिस प्रशासन हावी होता जा रहा है आपके ऊपर। कमेटी बनाओ गांव गांव में, संघर्ष फिर होंगे, MSP गारंटी कानून के लिए होंगे। अगर भारतीय किसान यूनियन संगठन मजबूत रहेगा तो ये सरकार आपकी बात भी सुनेगी और आपके काम भी करेगी, वरना ये सरकार बहुत बेढंगी सरकार है। आपको बता दूं क्या महीने भी गन्ने मिल चले गए, अब तक भुगतान तो घोषित नहीं करा, नया रेट घोषित तो नहीं करा, और हमें लगता भी है कि नया रेट बढ़ने वाला भी नहीं है। अगर आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे, अपनी आवाज नहीं पहचानेंगे, अपने हक की लड़ाई के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, तो याद रखना 2024 के बाद, आज आपके उन पंचायत में कह रहे हैं हम, 2024 में अगर ये सरकार बन गई तो आप लोग घर में जैसे निकल नहीं रहे ना, कोई भी आदमी घर में नहीं रहेगा, सड़कों पर खुद ही आओगे। दो किस्म के लोग हमारे देश में सबसे ज्यादा काम करते हैं, किसान और जवान। देखिए ये किसान जवान जो है इन पर ही देश निर्भर रहता है, इनको कोई सुविधा कोई भी पार्टी नहीं देती। जब इलेक्शन आ जाते हैं, जब 100% सुविधा देते हैं, फिर बाद में कुर्सी पर बैठने के बाद इनके पास कुछ नहीं रहता। देख के ये भूल कर रहे हैं मिनिस्टर लोग, मंत्री लोग, ये भूल कर रहे हैं आप सभी पार्टी वालों को नुकसान रहेगा। दो किस्म के आदमियों को आप सुविधा नहीं देंगे तो खलबली मच जाएगी देश में, खलबली मच जाएगी, ऐसी खलबली मच जाएगी, देख के बहुत बुरा हाल होगा। आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा नाम नहीं है जहाँ जेईर एसडीओ मजमन से कहनी चाहिए बात, और ये बिजली बिजली वाले पिट्टे ना हो। पर कोई किसान भाई गया जेल मार लो, ये टिकैत साहब की देन है कि किसान अगर सुरक्षित है तो टिकैत साहब की के सानिध्य में सुरक्षित है। हम मील पर धरना दे रहे थे, पैमिट तो नहीं आ रहा था, हमने तो चौधरी साहब की मीटिंग मांगी हुई थी। चौधरी साहब के आने का पहले आने लगे कहते फोन कह लगे लिए दे दिया पैमिट, तो मैं फिर आग्रह करूंगा क्योंकि टिकैत साहब हमेशा किसानों की लड़ाई लड़े और इन्हें मजबूत करो। जी किसानों की तो समस्या ही समस्या है, सारी समस्या ही है। बिल न तो पेमेंट हो और ना भाव बढ़ा, चुपर तक भाव बढ़ दिया। कब से रेट नहीं बढ़ा करने का, कितने साल हो गए, 4 साल 5 पहले भी आती रही, कोई रेट में वृद्धि नहीं हुई। जैसे खाद बीज जरिए 25 रुपए का घटा होंगे, एक था टाइगर 25 रुपए का घटावेंगे। और क्या नाम आपका? धन प्रकाश। ऐसे ऊन से ही? हाँ। क्या लग रहा है, कैसी समस्याएं पैदा हो रही? इनो का है 325 होगा, इससे तो निमट रहा है, तो लग रहा है जो सरकार है। हाँ। बढ़ा नहीं रहे, घटावेंगे 25। मजबूती दो, लेकिन चुनाव आ रहा है फिर हर जी भी तो घटावेंगे, बढ़ाने चाहिए चुनाव से पहले तो। वो जुमल वो तो दे ढाई सी तो दे पंखे। अरे नहीं इनो का यो ज्यादा दे रहे 25 रुपए दादा, जो है सरकारियाँ जो चाह कर रहे हैं किसान के साथ ही ऐसा क्यों, बाकी तो चीजें क्यों लग रहे क्यों बैठे सबको बैठे, पर किसान तो नाराज कुछ चल रहे हैं, बाहर नहीं बढ़ा कुछ नहीं, पेमेंट नहीं हो रहा। ये क्षेत्र में सरकार भी नहीं की है, यहाँ के किसानों की बात सरकार है नहीं, सारे कोई है पूरी इंडिया में, इनकी नहीं है, जो चाहे कर ले भाई। ये तो आगे कैसे देख रहे, कैसे चला है आगे कैसे देखेंगे, जीतेंगे जी फिर वही हाल करेंगे। 2024 आ गया, आ गया तो जीतना मुश्किल है। हाँ तो भाई है,
आने वाले टाइम पे ये ट्रैक्टर ही आपकी जान बचाएंगे। अभी कुछ नहीं कहेगी सरकार, अभी तो ये आपको हला रही, एक पर शिकंजा कसती रहेगी, जमीनें आपकी महंगी जाती रहेगी। बाहर के लोग व्यापारी, फसल हमारी दिन में नहीं बिखरी और जमीन आप रात को भी बेच दो, जमीन बेच के गुजारा कर लोगे क्या? हमारी फसल बिक का गुजारा होगा, जमीन बिक का गुजारा नहीं होगा, फसलों के दाम नहीं है। सारा व्यापारी जमीन में लग गया, पूरी जमीन व्यापारी खरीद रहा, किसी भी रेट की बता दो आप, सड़क की जमीन सब व्यापारी पर जा ली। आंदोलन खत्म हो गए, पुलिस प्रशासन हावी होता जा रहा है आपके ऊपर। कमेटी बनाओ गांव गांव में, संघर्ष फिर होंगे, एमएसपी गारंटी कानून के लिए होंगे। अभी तो इसलिए छेड़खानी नहीं है ना कि यहां पे आप दिल्ली के नजदीक हो, इकट्ठे हो जाओ, रोड़ा रुका कर लो, आप जाओ बिहार में, वहां पे दो ही तरह के लोग बकेंगे। पूरी जमीन उन्होंने छोड़ दी बिहार के लोगों ने, पूर्वांचल के लोगों ने,